गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरे को यहाँ पर घूमते समय पेड़ के ऊपर एक घर नजर आ गया, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा इस सुनसान जगह पर आखिर पेड़ पर कौन रहता होगा। आप लोग इसकी ऊंचाई देख रहे हो, ये एकदम टॉप पर बना हुआ है और इसके अंदर से तो पता नहीं क्या अजीब चीज बाहर निकल रही है। अच्छा हुआ मेरे साथ माइकल भी यहाँ पर आ गया, अब हम दोनों साथ उसके अंदर जाएंगे। मेरे को नहीं जाना, जाना है तो तू जा। अरे भाई चलना साथ में, मेरे को नहीं जाना। गाइस ये डरपोक तो डर गया, लगता है मेरे को अकेले ही जाना होगा। हाँ तू ही जा। अब मेरे को ना चाहते हुए भी अकेले ऊपर चढ़ाई करना होगा, पर मेरे को नहीं लगता मैं इसके ऊपर चढ़ पाऊंगा। यार ये तो उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, पता नहीं ऊपर मेरे को क्या मिलेगा। लेकिन सच बताऊं तो अब मैं चढ़ते हुए काफी थक चुका हूं। पर गाइस यहां से नजारा देख रहे हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ओके तो मैं अंदर आ गया। धक तेरी की, ये सामने क्या है? मेरे को तो कोई डायन लग रही है, पर शायद उसे मेरे बारे में नहीं पता। गाइस इसकी शक्ल देख रहे हो कितनी भयानक लग रही है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है। अबे नहीं ना यार, ये तो हिलने भी लग गई, शायद मेरे को घूर रही है। क्यों ना यहाँ से चलकर मैं घर की छत पर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर से मैं उस पर आराम से नजर रख सकता हूँ। ओ माय गॉड, शायद इसको होश आ गया और मेरे बारे में भी पता चल गया। मेरे को कुछ करना होगा नहीं तो वो मेरे को मार डालेगी। क्यों ना बेहोश करने वाली गैस छोड़कर मैं उसको बेहोश कर दूं, यही अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर खड़े होकर मेरे को थोड़ा वेट करना है। गाइस आप देख रहे हो मैंने सोचा था वही हुआ। चलो अब नीचे जाकर देखते हैं वो बेहोश है या मर गई। बस ऐसा ना हो वो जागकर मेरे पर हमला ना कर दे। वैसे इसको देखकर मेरे को नहीं लग रहा कि इसको जल्दी से होश आने वाला है। अब मैं इसको उठाकर माइकल के पास ले जाने वाला हूँ। धत तेरी की, ये क्या हो गया? मैं तो गलती से इसको लेकर गिर गया। देखो सामने माइकल, बस ये डायन को देख कर डर ना जाए। भाई मेरे को ऊपर ये खतरनाक डायन मिली। तूने गलत किया, इसको साथ में नहीं लाना था। चल इसको तेरे घर पर ले चलते हैं। अच्छा ठीक है। ओके तो गाइस हम लोग इसको माइकल के घर ले जा रहे हैं, ताकि इसको ब्लैक मार्केट में बेचकर हम दोनों अमीर हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो कोई मरा हुआ पड़ा है, इसे डायन ने मारा होगा। रुको इसको ट्रक में फेंक देता हूँ। लेकिन माइकल को देखो कैसे डायन के पास जा रहा है। अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, ऐसा करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को लगा था माइकल डर जाएगा, पर देखो कितनी बहादुरी से बैठा हुआ है। आखिरकार हम लोग माइकल के घर पहुंच ही गए। चल बे जल्दी से नीचे उतर जा, अब मैं अंदर चला जाता हूँ। उस चुड़ैल को माइकल ले आएगा, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, क्योंकि रात को ब्लैक मार्केट जाना है। भाई तू इसका ध्यान रखना और इसको छोड़कर मत जाना। ठीक है तू सो जा। चलो गाइस कुछ देर सोकर आराम कर लेते हैं। सच बताऊं तो आज मेरे को काफी शानदार नींद आई। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? वो कहाँ चली गई? चलो माइकल से जाकर पूछते हैं। ये तो माइकल की नौकरानी है, पर इसको कौन मारा? गाइस मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है शायद वो डायन जाग गई। ओ भाई साहब, ये माइकल जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? कहीं मर तो नहीं गया? गाइस आप लोग देख रहे हो वो डायन नींद से जागकर माइकल के सभी परिवार वालों को मार डाला। अब मैं क्या करूं? चलो थोड़ा पास में जाकर देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो उन सभी को जिंदा खा रही है। अब इसको क्या हुआ? ये कहाँ जाने लग गई? अच्छा हुआ इसको मेरे बारे में पता नहीं चला, नहीं तो मेरे को कच्चा चबा जाती। चलो गाइस जल्दी से बाहर निकल कर मेरे घर पर चलते हैं। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चली कहाँ गई। पर जो भी हुआ हो वो मेरी गलती की वजह से हुआ। मेरे को उसको घर नहीं लाना चाहिए था। ऊपर से ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। धत तेरी की, मैंने किसको ठोक दिया? मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यार ये तो माइकल की आत्मा है। भाई तू बदला लिए बिना नहीं जा सकता। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। चल फिर मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है। गाइस माइकल की आत्मा तो मेरे साथ आ रही है, अब उस भूत का सामना माइकल की आत्मा करेगी। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये मेरे को घूर क्यों रहा है। ओ माय गॉड, वो तो सामने खड़ी हुई है। ओहो, मैंने उसको उड़ा दिया। ओ भाई साहब, ये तो हवा में उड़ने लग गई और मेरे पर हमला भी शुरू कर दिया। ऊपर से माइकल की आत्मा कहाँ भाग गई? साला कमीना मेरे को छोड़कर भाग गया। अब मैं भी आत्मा बनने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओहो, उसने मेरे को बाहर फेंक दिया। रुको इसको गोलियां मारता हूँ।
ये तो पागल हो गई। इसकी पावर के सामने तो मैं बिल्कुल टिक नहीं पाऊंगा। ये सब माइकल की वजह से हो रहा है, अब मैं क्या करूं? गाइस आप मेरी हालत देख रहे हो, उसने मेरे शरीर के अंदर लोहे के सामान डाल दिए। अच्छा हुआ डॉक्टर्स आ गए, ये इनको बाहर निकाल देंगे। पर अब मेरे को कुछ करना होगा, नहीं तो माइकल के जैसे मारा जाऊंगा। चल बे बाहर निकल, अब जैसे ही वो सामने आएगी मैं उसको मार डालूंगा। देखो वो सामने से आ रही, मेरे को कूदना होगा। और ये बूम, ओहो, मेरे को नहीं लगता इस धमाके के बाद वो जिंदा बच पाई होगी। चलो पास में चलते हैं और देखते हैं वो मरी है या नहीं। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है मैंने इसको मार डाला। पर गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं इसे शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।